हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल एडवेंचर्स लर्निंग। आज का हमारा क्वेश्चन है, नेम द प्रोटीन एंड लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस। हमारे पैनक्रियाटिक जूस में जो प्रोटीन और लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स हैं, उनके नाम बताइए या उनके काम बताइए। ठीक है, तो हमारा आंसर है ट्रिप्सिन, एमिलेज और लिपेज। ये तीन ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हमारे पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन, एमिलेज एंड लिपेज। नाउ ये तीन तो इनके नाम हो गए, अब इनके काम क्या क्या हैं? दे हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ ऑल द फूड कॉम्पोनेंट्स विच नीड डाइजेशन। ये वो हर खाना का ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, फूड ऑफ ऑल द फूड कॉम्पोनेंट्स विच नीड डाइजेशन, जिनको डाइजेशन की जरूरत है। पानी को तो डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही लिक्विडिफाई है, सॉल्यूबल है, पूरे बॉडी में यहाँ वहाँ घूम लेता है, जाकर किडनी में हमारा फिल्टर हो जाता है, यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है। बट जो हमारे सॉलिड फूड जो हम लोग खाते हैं, उनको डाइजेस्ट होने के लिए समय चाहिए, बहुत सारे प्रोसेसेस से उनको गुजरना पड़ता है। तो वो जो फूड हम लोग खाते हैं, जो सॉलिड होती है, एक्चुअली में सॉलिड फूड जो हम लोग खाते हैं, फूड कॉम्पोनेंट्स, उनको डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, किस तरह से? ट्रिप्सिन जो है हमारी, ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करना है ना, डाइजेशन क्या है, फूड को स्मॉलर पार्ट में ब्रेक डाउन करके जो चीजें हमारे काम की हैं उनको अब्सॉर्ब करवा देना। तो अब्सॉर्प्शन का काम तो विल ही करते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स पे होते हैं, राइट। ये जो चीजें हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम करती है। तो प्रोटीन्स को ब्रेक करने में हेल्प करती है ट्रिप्सिन, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होके बन जाते हैं पेप्टोन्स। एमिलेज जो एंजाइम है वो कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है। और लिपेज एक्ट्स ऑन फैट्स इन ड्रॉपलेट फॉर्म, जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में फैट्स होती हैं, कन्वर्टिंग देम इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। और लिपेज जो है वो फैट्स के साथ वर्क करती है, नॉर्मली इमल्सिफाइड फैट्स के साथ काम करती हैं, उनको चेंज करती हैं। ड्रॉपलेट फॉर्म जो है ना वो इमल्सिफाइड फॉर्म है, तो फैट्स के इमल्सिफाइड फॉर्म को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में चेंज करने में हेल्प करती है लिपेज। सो दीज आर द थ्री कॉम्पोनेंट्स, दीज आर द थ्री एंजाइम्स जो कि हमारे पैनक्रियाटिक जूस में मिलती है। और हमारे उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस में बना, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो इन तीन चीज़ों से बना हुआ होता है, जो कि पैनक्रियाज में बनता है, और उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ये सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।